नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत अपने YouTube चैनल कुणाल इंग्लिश मास्टरो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आ रहे चल रहे हैं रूट वर्ड से वन वर्ड, रूट वर्ड विद वन वर्ड, जो कि चल रहे थे फाइल फाइल फिलिया फिल फिलो से, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था। इन सभी का अर्थ क्या होता है? लव, अट्रैक्शन या लाइक, फिल फाइल फिल फिलोफिलिया, इन सभी का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। अट्रैक्शन लव, जैसे कि यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, 10 वर्ड हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इन सभी के पीछे भी वही लगा हुआ है जो आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ा सकता हूँ। ये दूसरा सेशन है, दूसरा पार्ट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो फाइल, यहाँ फाइल है, इधर भी फाइल है, इधर भी फाइल है, इधर भी फाइल, इधर भी फाइल, ये सभी कॉमन है। फाइल यहाँ सब में कॉमन है। फाइल क्या है? कॉमन। तो मैंने आप लोगों को बताया था रूट वर्ड, रूट वर्ड यानी कि मेन शब्द के पीछे या आगे कोई शब्द लग करके जो नया शब्द बनता है वो रूट वर्ड से बनता है। और यहाँ हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं रूट वर्ड से, जो कि फाइल से बना है। किससे बना है? फाइल एक कॉमन वर्ड है जो सब में आया हुआ है। और फाइल फिल फिलिया या फिलो, इन सभी का अर्थ मैंने आपको बताया था लव होता है। क्या होता है? लव या अट्रैक्शन आप कह सकते हो। अट्रैक्शन क्या कह सकते हो आप? अट्रैक्शन या लाइक भी कह सकते हो। लाइक यानी पसंद करना, कोई किसी को कोई चीज पसंद है या वो लाइक करता है, उसे प्यार करता है, उसके अट्रैक्शन में यानी कि आकर्षित हो रहा है, आकर्षण में पागल हो रहा है, या जो कुछ भी है ना बोलना चाहो, जैसे भी आप कहना चाहो, तो उसे बोलते हैं फाइल। ठीक है, यहाँ सब में कॉमन है फाइल वर्ड। तो इसका मतलब है ये फाइल से रिलेटेड है, यानी कि लव से रिलेटेड है। इन सब का मतलब है लाइक से या फिलिया से, ठीक है, अट्रैक्शन से या इन सब से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो देखो इतना मैं आपको बता चुका हूँ। रूट वर्ड क्या होता है? रूट मैंने कहा, रूट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, रूट का मतलब होता है, रूट वर्ड होता है मेन शब्द। रूट वर्ड यानी मेन शब्द। रूट का मतलब होता है जड़, या क्या कह सकते हो? मूल। क्या कह सकते हो? मूल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और उसमें तो इसमें मूल शब्द, ये तो कॉमन हो गया, फाइल तो कॉमन है सब में, तो ये तो कॉमन हो गया। तो क्या है ये? ये रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड वह होता है जो मेन होता है। अब मेन इनमें सब में अलग अलग वर्ड है, इसमें एस्ट्रो है, इसमें डेंड्रो है, इसमें लोगो है, इसमें ऑटो है, इसमें रेट्रो है, इसमें लिग्नो है, इसमें एलुरो है, इसमें फोटो है। तो ये सारे के क्या है? रूट वर्ड है। ये कॉमन वर्ड है जो कि क्या है? पीछे लग के क्या है? सफिक्स है। पीछे लग जाए तो सफिक्स, आगे लग जाए तो प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे इन सब का अर्थ क्या होता है और ये वन वर्ड कैसे बनते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रो। क्या है? एस्ट्रो। क्या भाई? एस्ट्रो 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 एस्ट्रोफाइल 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 एस्ट्रो एस्ट्रो एस्ट्रो। तो एस्ट्रो का अर्थ क्या होता है? एस्ट्रो का अर्थ क्या होता है? एस्ट्रो बना है एस्ट्रोज से। किससे? एस्ट्रोज एस्ट्रोज, जिसका अर्थ क्या होता है? स्टार। क्या होता है? स्टार। क्या होता है भाई? स्टार। स्टार यानी क्या होते हैं? तारे, नक्षत्र, या आप क्या बोल सकते हो? प्लानेट। प्लानेट यानी क्या होता है? ग्रह। ग्रह भी क्या होते हैं? तारे। ठीक है, प्लानेट या स्पेस, स्पेस स्पेसेस। तो ये वर्ड जो एस्ट्रो रिलेटेड है वो अंतरिक्ष से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, रिलेटेड है अंतरिक्ष से, या स्टार से संबंध रखता है, या प्लैनेट से संबंध रखता है, स्पेस से रखता है। तो एस्ट्रो का अर्थ हो गया स्टार। क्या हो गया? स्टार। वैसे पर्सनल स्टार ही होता है, या प्लैनेट कह सकते हो आप, या स्पेसेस कह सकते हो, यानी कि एस्ट्रो का मतलब हो गया खगोल। क्या हो गया? खगोल। हिंदी में बोल सकते हो आप खगोल, या अंतरिक्ष बोल सकते हो। ठीक है, तो एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल यानी क्या हो गया? जो तारों से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? तारों से प्यार करता है, खगोल से प्यार करता है, प्लैनेट ग्रहों से प्यार करता है, वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोफाइल। अगर वन वर्ड बन के आता है तो वह पूछेगा आपसे ए लवर ऑफ स्टार्स, ए लवर ऑफ स्टार्स, स्टार्स ए लवर ऑफ
स्टार्स ग्रहों से प्यार करने वाला, ग्रहों से प्यार करने वाला, नक्षत्रों से प्यार करने वाला, पसंद करने वाला, जो इसमें रुचि रखता है वो कहलाता है एस्ट्रोफाइल। क्या कहलाता है? एस्ट्रोफाइल, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। इसका रिप्लाई होगा ए वर्ड में, ए लवर ऑफ स्टार्स, ए लवर ऑफ स्टार, यानी ग्रहों से प्यार करने वाला क्या कहलाएगा? एस्ट्रोफाइल, 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 एस्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा? एस्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा? एस्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा? एस्ट्रोफाइल। आप बार बार रिपीट करते रहो, आप बार बार रिपीट करते रहो। एस्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा? एस्ट्रोफाइल कहलाएगा। किससे? स्टार्स से जो प्यार करता है एस्ट्रोफाइल कहलाता है। डेंड्रो, क्या भाई? डेंड्रो। चलो डेंड्रो बताने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ। एस्ट्रो, एस्ट्रोलोगर देखा होगा आपने, एस्ट्रोलोगर, एस्ट्रोलोगर, एस्ट्रोलोगर आते हैं। एस्ट्रोलोगर मतलब ज्योतिष शास्त्री, जो कि आपने देखा होगा आज तक एक न्यूज चैनल है, इस पे एक आचार्य आता है या एक लेडी आती है, ठीक है, वो जबरदस्त मेकअप वेकअप कर करा के ऐसी आती है, चूड़ियां मुड़िया पहनी रहती है, लंबा वो तिलक सा लगाया रहता है, और वो नक्षत्र यानी कार्ड देख करके, कार्ड देख करके बताती है, उसे क्या बोलते हैं हम? तो चलो मैं तुम्हारा को बता देता हूँ, तीन वर्ड और बता देता हूँ रिलेटेड। एस्ट्रो, एस्ट्रोलोगर बोलते हैं उन्हें, एस्ट्रोलोगर, एस्ट्रोलोगर बोलते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? एस्ट्रो से बना ना भाई, एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब जो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लॉजी, लॉजी मतलब जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी? तारों की स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आता है अध्ययन, तारों का अध्ययन, तारों का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन, प्लैनेट का अध्ययन, स्पेस अंतरिक्ष का अध्ययन, क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एक और आता है एस्ट्रो, एस्ट्रो नट, एनयूटी, एस्ट्रोनट, 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 एस्ट्रोनट क्या होता है? खगोल यात्री, खगोल यात्री, अंतरिक्ष यात्री जिससे बोल सकते हो आप। पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था, जिसने चांद पे पहला पैर रखा था, आपको मालूम होगा, तो एस्ट्रोनट था अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, क्या है? एस्ट्रोनट है। क्या है? एस्ट्रोनट। चौथा वर्ड अगर इससे ले तो क्या आता है? एस्ट्रो फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स यानी क्या होता है? खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी, नक्षत्र भी बोल सकते हो आप, ज्योतिष बोल सकते हो, एस्ट्रोलॉगर को क्या बोल सकते हो? ज्योतिष, ज्योतिष बोल सकते हो, नक्षत्र, नक्षत्र विशेषज्ञ बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो एस्ट्रोफाइल यानी क्या? प्लैनेट से प्यार करने वाला, उसको पसंद करने वाला, एस्ट्रोलॉगर ज्योतिष आचार्य, एस्ट्रोलॉजी तारों का अध्ययन, नक्षत्रों का अध्ययन, एस्ट्रोनट खगोल यात्री, खगोल यात्री या अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोफिजिक यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक सॉरी क्या, एस्ट्रो यानी नक्षत्रों का, नक्षत्रों की भौतिक यानी खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी, सॉरी। डेंड्रोफाइल पे आते हैं। डेंड्रो का मतलब क्या होता है? डेंड्रो का मतलब क्या होता है? फाइल यानी क्या होता है? लव। फाइल यानी क्या होता है? लव, अट्रैक्शन, ठीक है। तो डेंड्रो, डेंड्रो निकला डेंड्रोज से, किससे? डेंड्रोज से, किससे भाई? डेंड्रोज से, किससे भाई? डेंड्रोज से। डेंड्रोज का मतलब होता है फॉरेस्ट, 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 फॉरेस्ट यानी जंगल। डेंड्रोज का मतलब क्या होता है? डेंड्रोज से निकला है। डेंड्रोज का मतलब होता है फॉरेस्ट या ट्रीज, फॉरेस्ट और ट्रीज, फॉरेस्ट और ट्रीज यानी पेड़ों, पेड़, पेड़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या जंगल, पेड़ पौधे या जंगल, जो पेड़। डेंड्रो का मतलब होता है पेड़, डेंड्रो का मतलब क्या होता है? पेड़। डेंड्रो का मतलब क्या होता है? पेड़ या फॉरेस्ट। तो डेंड्रोज का मतलब होता है फॉरेस्ट या ट्रीज। फाइल का मतलब होता है प्यार, लव, अट्रैक्शन, ठीक है। तो डेंड्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जो जंगलों से प्यार करता है। डेंड्रोफाइल का अर्थ क्या होता है? जो जंगलों से प्यार करता है, मतलब क्या निकल के आएगा? ए लवर, ए लवर ऑफ फॉरेस्ट, ए लवर ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज, ए लवर ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज। एक जो जंगलों से प्यार करता है या पेड़ों से प्यार करता है, क्या कहलाता है भैया?
क्या कहलाता है डेंड्रोफाइल, 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 डेंड्रोफाइल 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 यानी पेड़ों से प्यार करने वाला, जंगलों से प्यार करने वाला, फॉरेस्ट जंगलों से प्यार करने वाला क्या कहलाता है डेंड्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, डेंड्रो का मतलब क्या होता है फॉरेस्ट या ट्रीज, यानी कि मेन शब्द क्या है फॉरेस्ट या ट्री। फाइल का मतलब क्या होता है लव प्यार करने वाला। ठीक है, लोगो, लोगो पे आते हैं, लोगो, लोगो किससे बने लोगो, लोगो फाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल, फाइल यानी प्यार, लोगो का मतलब क्या होता है आपको पता है, अपन नहीं बोलते क्या लोगो, मेरा लोगो बना दे, मतलब मेरी पहचान बना दे, पहचान का मतलब क्या होता है लोगो, पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है आइडेंटिटी, अपनी सबकी आइडेंटिटी होती है, मेरी भी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी क्या है कुणाल, कुणाल नाम से मेरे को लोग जानते हैं, कुणाल नाम से आपको भी अपने नाम से जानते होंगे, तो वो आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या है वर्ड है, एक वर्ड है कुणाल, एक वर्ड है कुणाल, क्या है कुणाल, मेरी आइडेंटिटी है लोगो, मेरा लोगो है जो कुणाल है, कुणाल के नाम से मुझे लोग जानते हैं कुणाल। ठीक है, ये मेरी पहचान है कुणाल, कुणाल क्या है मेरी पहचान है, कुणाल मेरी पहचान है, क्या भाई पहचान, तो ये क्या हो गया मेरी पहचान। ठीक है, तो जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा लॉग आउट, लॉग आउट या लॉग इन, लॉग आउट का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी को छिपाना, यानी कि जो आपने पासवर्ड डाल रखा, पासवर्ड क्या होता है वर्ड, पासवर्ड वर्ड ही तो होता है, ईमेल डाल रखा है जो कुछ भी डाल रखा है पासवर्ड वो ही तो होता है, वर्ड ही तो होता है वर्ड वर्ड, तो ये जो मैंने आइडेंटिटी बताई मेरी कुणाल, कुणाल क्या एक वर्ड है, तो लोगो का मतलब क्या होता है वर्ड, 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 लोगो, लोगो का मतलब क्या होता है वर्ड, लोगो का मतलब क्या होता है वर्ड, यानी आइडेंटिटी। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट किससे जाना जाता है वो आइडेंटिटी वर्ड, अपना जो वर्ड है अपनी आइडेंटिटी है लोगो वर्ड, उसको छुपाओ, छुपा दो या हटा दो या लगा दो, बता तो सही तेरी आइडेंटिटी क्या है, वो पूछता है फेसबुक वाला भी पूछता है। ठीक है, फेसबुक मतलब लोगो फाइल, फाइल यानी प्यार, जो किससे प्यार करता है वर्ड, शब्दों से, वर्ड वर्ड वर्ड्स 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 सॉरी वर्ड्स, शब्दों से प्यार करता है वो क्या कहलाता है लोगो फाइल। तो क्या आएगा यहाँ पे ए लवर ऑफ वर्ड्स, ए लवर ऑफ वर्ड्स, ए लवर ऑफ वर्ड्स, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो, कोई जरूर नहीं है लवर ही हो, इस तरह से भी आ सकता है ए वन ए पर्सन हु, ए पर्सन हु लव्स, ए पर्सन हु लव्स या लाइक, ए पर्सन हु लव्स या लाइक, लाइक्स क्या भाई, ए पर्सन हु लव्स या लाइक्स वर्ड्स, वर्ड्स इन सब में इस तरह से ही पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, वर्ड लव से रिलेटेड वर्ड जरूर डालेगा, लाइक या लव अट्रैक्शन जरूर डालेगा, तो उससे पकड़ लेना आप। ठीक है, जब वो पूछता है ए लवर ऑफ वर्ड्स बोलो, ए लवर ऑफ वर्ड्स बोल दे, ए लवर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों से प्रेम रखने वाला, शब्दों को पसंद करने वाला, या अपन बोल सकते हैं पर्सन हु लव्स, एक व्यक्ति जो पसंद करता है या प्यार करता है किसको, शब्दों से प्यार करता है, शब्दों को पसंद करता है, क्या कहलाता है लोगो फाइल कहलाता है, क्या कहलाता है लोगो फाइल कहलाता है, क्या कहलाता है लोगो फाइल कहलाता है, लोगो फाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल, डेंड्रोफाइल, 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 एस्ट्रोफाइल, 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 डेंड्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल, डेंड्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल, डेंड्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल, लोगो फाइल, लोगो फाइल यानी शब्दों से प्रेम करने वाला, डेंड्रोफाइल यानी जंगलों से प्रेम करना, एस्ट्रोफाइल यानी स्टार तारा प्लैनेट से प्यार करने वाला, पसंद करने वाला। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है अकेला, ऑटो का मतलब क्या होता है अकेला, अपन नहीं करते ऑटो नहीं करते क्या, ए ऑटो, तो उसमें क्या जाते हैं अपन अकेले ही तो जाते हैं, जब अपन को जाना होता है कहीं पर बाहर जाना होता है तो अपन उसको बोलते हैं ऑटो, वैसे ऑटो थोड़ी होता हो, रिक्शा होता तीन भैया, ठीक है, फिर भी अपन उसको बात लगाते ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है अकेला, यानी कि हमको अकेले ही जाना है, मैं जाऊंगा मेरा सामान जाएगा, चलो भाई ऑटो कर लेते हैं, ऑटो कर लेते हैं, हमें जाना, मेरी अकेले परिवार को ही जाना है, ऑटो कर लो, ऑटो कर लो, तो ऑटो का मतलब क्या होता है ऑटो निकला है अलोन से, ऑटो का मतलब होता है क्या सॉलिट्यूड, ऑटो, ऑटोज, ओ टोज, ऑटोज, ऑटोज का मतलब होता है सॉलिट्यूड, 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 या अलोन भी बोल सकते हो आप, अलोन, अलोन यानी एकांत,
अकेला अकेला, सॉलिट्यूड यानी एकांत, ऑटो और फाइल यानी प्यार, जो एकांत से प्यार करता हो, अकेले से प्यार करता हो, खुद अकेले से एकांत से जो अकेले में ही रहना पसंद करता है वो क्या कहलाता है, ऑटोफाइल कहलाता है। 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 क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, सॉरी ए पर्सन क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, ए पर्सन वो लव्स, ए पर्सन वो लव्स सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड या बीइंग अलोन, या बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, एक जो एकांत से, एक जो एकांत से या अकेलेपन से प्रेम रखता है क्या कहलाता है, सॉलिट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी ऑटोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोफाइल। 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 ठीक है, ऑटोफाइल ऑटोफाइल ऑटोफाइल, लोगोफाइल लोगोफाइल लोगोफाइल, डेंड्रोफाइल डेंड्रोफाइल डेंड्रोफाइल। ठीक है, अब आता है अपने पास हीलियोफाइल। क्या आता है, हीलियोफाइल 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 हीलियो। अब हीलियो किससे बना है, हैलोजन सुना है आपने, हैलोजन, हैलोजन एक लाइट होती है जो पहले शादियों में लगती थी, आजकल तो शायद नहीं है, आजकल तो बहुत सारी लाइटें आ गई है। पहले हैलोजन लगती थी जो वो बहुत ज्यादा लाइट देती थी, सूर्य की तरह चमकती थी, सूर्य की तरह चमकती थी। हैलोजन 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 का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, सूर्य। ठीक है, हैलोजन, तो हैलो हैलोजन निकल के आया है सूर्य से। हैलो ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक हेलियोज 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 का मतलब होता है सन। क्या होता है, सन, सूर्य, हेलियो हेलियो का मतलब क्या होता है, सूर्य, सन। एक व्यक्ति जो सन यानी सूर्य से प्रेम करता है, सूर्य को पसंद करता है, लाइक करता है, जैसे ही वो सूर्य को सूर्य निकलता है उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, यानी कि उसे अच्छा लगता है कि आज सूर्य निकल गया, सूर्य नहीं निकलता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो अजीब सा फील होता है। जैसे कुछ जानवर हैं जो सूर्य निकलते हैं तभी उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, अगर सूर्य नहीं निकलता तो उन्हें अच्छा फील नहीं होता, उनके लिए वो रोने जैसा दिन होता है। ठीक है, तो हेलियोज का मतलब होता है सन। तो क्या क्वेश्चन बन के आएगा, ए लवर या ए पर्सन बोल सकते हो आप, ए पर्सन वो लव्स या आप बोल सकते हो लाइक लाइक्स सन, ए पर्सन वो लव्स लाइक, या आप बोल सकते हो ए लवर ऑफ सन, ए लवर ऑफ सन भी बोल सकते हो, जैसा आप बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, या जैसे वो देगा वैसे रिप्लाई जरूर आएगा, लव या लाइक से रिलेटेड जरूर होगा और उसने दे रखा होगा सन। ठीक है, क्या दे रखा होगा, सन, सन पकड़ लो, लव पकड़ लो, लाइक पकड़ लो, या उसमें दे रखा होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसको पकड़ के ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, हेलियोफाइल के बारे में पूछ रहा है। हेलियो का मतलब क्या होता है, हेलियो का मतलब क्या होता है, सन, हेलियो का मतलब क्या होता है, सन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आया होगा, देख लेते हैं आगे, हटा देता हूं मैं आपको, कॉपी कर लेना आप, जूम रोक के वापस हटा देता हूं मैं, आगे वाले क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको लगा होगा कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक नहीं, मेरे सबसे मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पसंद आता है या नहीं आता, अपनी अपनी चॉइस है, कोई कैसे पढ़ना पसंद करता है, कोई कैसे पढ़ना पसंद करता है, बाकी मेरे हिसाब से आना चाहिए। सेलेनोफाइल 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 सेलेनो बना है, सेलेनो का अर्थ होता है, क्या होता है सेलेनो का मतलब, सेलिनोज जो कि मून होता है, क्या होता है मून, सेलिनोज से ही साइलेंस बना है, सेलिनोज से क्या बना है, साइलेंस, साइलेंस यानी शांति, शांति चुप्पी, और मून किसका प्रतीक होता है, शांति का, चुप्पी का प्रतीक होता है। ठीक है, तो सेलेनोग्राफ सेलेनोग्राफी सेलेनो ग्राफ सुना होगा, चंद्र यांत्रिकी, चंद्र शास्त्र, चंद्र
जो भी चंद्र जो मून का शास्त्र है, मून का अध्ययन है, सेलेनोग्राफर सेलेनोलॉजी, ठीक है, लेकिन यहाँ लॉजी नहीं है, यहाँ पे फाइल है, सेलेनो फाइल यानी फाइल यानी लव यानी कि चंद्रमा से प्यार। तो रिप्लाई क्या आएगा इसका, ए लवर ऑफ मून, एक जो किससे प्यार करता है, मून चंद्रमा से प्यार करता है, या आ सकता है ए पर्सन हू लव्स या लाइक्स मून। रिप्लाई क्या आएगा, सेलेनोफाइल, जहां वहां लिखा हुआ है सेलेनोफाइल, लिखा हुआ है सेलेनोफाइल ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ये रिप्लाई आएगा सेलेनोफाइल यानी मून। तो आपको कुछ ही नहीं करना, फाइल का मतलब तो क्या है, लव, आपको ये मेन वर्ड रटने हैं जो सेलेनो लिखा मैंने, सेलेनो का अर्थ क्या होता है, मून, रट लो, सेलेनो मतलब मून, ऑटो यानी एकांत, सॉलिट्यूड, लोगो यानी वर्ड, लोगो मतलब वर्ड, लॉग इन से रट लो, स्टार्स, एस्ट्रो यानी स्टार, तो इतना बताए यार, मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए कि ठीक ठाक पढ़ा रहा, ठीक है, तो देख लो। तो रेट्रो किससे बना है, रेट्रो का मतलब क्या होता है भाई, रेट्रो सर, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन के वर्ड नहीं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ओल्ड ग्रीक यानी एंशियंट बोल सकते हो आप, प्राचीन, एंशियंट ग्रीक वर्डों से बने हैं। रेट्रोरम का मतलब क्या होता है, पुरानी यादें, और रेट्रोज का मतलब होता है पास्ट, रेट्रोज का मतलब क्या होता है पास्ट, और रेट्रोरम का मतलब होता है पुरानी यादें, रेट्रोरम यानी पुरानी यादें। अब पुरानी यादें क्या है, पास्ट ही है, अरे पुरानी यादें हैं वो क्या है, पास्ट ही है, आदमी ये कह रहा है अरे यार बचपन वापिस आ जाए, मतलब पास्ट की तो बात कर रहा है, मेरे स्कूल वाले दिन वापस लौट के आ जाए, यानी किस में घूम रहा है वो, किसको पसंद कर रहा, बात किसकी कर रहा, पीछे की, पीछे यानी पास्ट, तो रेट्रोज पास्ट, रेट्रोजम पुरानी यादें, मतलब वही बात है, ठीक है। तो रेट्रो से बना है, रेट्रोरम या रेट्रोज से बना है, रेट्रोरम लैटिन वर्ड है, रेट्रोज ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फाइल लव, तो क्या आएगा रिप्लाई, a lover of past, या क्या कह सकते हो, a person वो loves past, और पास्ट स्टाइल भी बोल सकते हो, पास्ट स्टाइल या और पास्ट मेमोरीज। एक व्यक्ति जो प्यार करता है अतीत से प्यार करता है, या अतीत की जो स्टाइल है, घटनाएं, जो घटनाएं यादें, या आप बोल सकते हो पास्ट मेमोरीज यादें, उनसे प्यार करता है, उन्हें पसंद करता है, वो रेट्रो फाइल कहलाता है। तो इस तरह से याद कर लो बार बार, रेट्रो, लोगो मीन्स, अकेला, रेट्रो, पास्ट, इस तरह से यादें बहुत जल्दी हो जाएगी। लिम्नो, एलुरो, एलुरो, फोटो, लिम्नो, ठीक है यार, इधर पीछे आते ही दिखता और बंद हो जाता है यार, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते ही दिखता और नहीं,
लिम्नो, अब आप तो आ रही है कोई बात नहीं, दिखूं या ना दिखूं, लिम्नो फाइल, लिम्नो फाइल, लिम्नो फाइल, लिम्नो का मतलब क्या होता है लेक, लिम्नो का मतलब क्या होता है लेक, एल ए के ई, लेक, लेक्स, लेक, लेक्स, 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 लेक्स यानी झील, लेक्स यानी झील, लेक्स यानी झील, जो झीलों से प्यार करता है, झीलों को पसंद करता है, बहुत सारे होते हैं जो झीलों को देख के खुश हो जाती है उनकी आत्माएं, ओ यार, तो वो झीलों से जो प्रेम करते हैं, झीलों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिनका अट्रैक्शन ही झील हो, ओ झील देख ले, ओ ये मजा आ गया, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, लिम्नोफाइल कहलाते हैं। ए पर्सन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ए पर्सन हो लाइक्स या लव्स, लेक्स, लेक्स क्या कहलाएगा, लिम्नो, लिम्नो फाइल, लिम्नो फाइल, ये रिप्लाई आपका होना चाहिए। अगर वो पूछ रहे ए पर्सन वो लाइक्स लव्स लेक्स, लिम्नो फाइल, लिम्नो फाइल, लिम्नो फाइल, एल्यूरो, एल्यूरोस से, एल्यूरोस से बना है, एल्यूरोज, एल्यूरोस से बना है, किससे बना है, एल्यूरोस से, एल्यूरोस से, एल्यूरोज से, एल्यूरोज से, एल्यूरोज का मतलब होता है केस, 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 कैट्स, 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 बिल्ली, कैट्स, ठीक है। लॉइंस भी बोल सकते हो, लाइक, लाइक, लाइन, लाइन, लाइन यानी शेर जैसा, शेर, लेकिन शेर नहीं होता प्रॉपर, कैट ही होता है, क्या होता है, कैट होता है, ठीक है। वैसे शेर भी बिल्ली से ही बना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लाइन, तो ए पर्सन वो लाइक कैट्स, एक जो बिल्लियों को पसंद करता है, कैट्स, 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 बिल्लियों को पसंद करता है, एल्यूरोफाइल कराता है, एल्यूरोफाइल कराता है, एल्यूरोफाइल कराता है, एल्यूरोफाइल कराता है। टाइम ही बहुत जल्दी हो गया यार, बहुत ज्यादा, 27 मिनट का वीडियो, ओ तेरी, 5 मिनट का काम था ये, तो चलो एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ यार पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर तुम करते नहीं हो, करोगे भी नहीं अपने दोस्तों के साथ, मुझे पता है ना, कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क है, अगर ढंग से नहीं रिजल्ट बना तो छोड़ छाड़ दूंगा। देखो कहीं पर भी यूट्यूब पे पढ़ लो बेटा, पूरा कंप्लीट तो तुम्हारे को मिलेगा नहीं, मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, पूरा पढ़ाने का, लेकिन तब पढ़ाएंगे जब आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, आप बेकार थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, सब वन वर्ड, मतलब एक दो चैप्टर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, दो तीन चैप्टर डाल देते हैं और बाकी फिर वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वॉकिंग, और अलग अलग स्टाइल में पढ़ाते हैं वॉकिंग भी, ठीक है, वर्ड जो ट्रिक्स वो भी नहीं बताते, वो इस तरह से बताएंगे कि ये वर्ड है, इसका ये है, इस सिनोनियम से, और तुम्हारे को थोड़ा अच्छा लगेगा, रटा देते हैं ये सेंटेंस ला ला के, बड़े बड़े सेंटेंस, कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो सारी कॉपियों में, किताबों में, 300 रुपए कॉपी लिया, 300 रुपए का न्यूज पेपर लगा लो द हिंदू, उसमें से पढ़ लो, निकाल लो, गूगल है तुम्हारे पास, सारा का सारा मिल जाता है यार, सर्च तो करो गूगल पे, देख लिया करो, वर्ड तो एक से एक है, सिनोनियम्स भी है, एक एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, खोल खोल के बताएं। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आप कंटिन्यू पढ़ाने में मुझे भी मजा आएगा, आप करते नहीं हो कोई बात नहीं, मत करो। फोटो फाइल, फोटो फाइल, फोटो फाइल का मतलब क्या होता है, फोटो, फोटो क्लिक करना, फोटो होता रोशनी, पिक्चर होता है वैसे तो फोटो, पिक्चर, और पिक्चर क्या है, एक रोशनी होती है, आपने पहले देखा होगा फोटो, पहले कैमरे से फोटो खींचते थे, फ्लैक्स आता था, फ्लैक्स, फोकस, फ्लैश, ठीक है, तो लाइट होती हो, नेचुरल लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, नेचुरल लाइट, फोटो, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, नेचुरल, नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट यानी प्रकृति वाली लाइट, नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, प्रकृति से जो मिलती है वो क्या कहलाती है, अरे क्या कहलाती है, फोटो फाइल कहलाती है, फोटो फाइल यानी नेचुरल लाइट से जो प्रेम करता है, नेचुरल लाइट से जो प्रेम करता है, ठीक है। ए पर्सन हु फाइंड्स कंफर्ट इन नेचुरल लाइट, ए पर्सन, रिप्लाई क्या, क्या क्वेश्चन बनेगा, ए पर्सन, ए पर्सन वो, ए पर्सन वो फाइंड, वो फाइंड्स, ए पर्सन वो फाइंड्स कंफर्ट, कंफर्ट, एक जो कंफर्ट ढूंढता, कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम, एक व्यक्ति जो आराम ढूंढता, फाइंड यानी होता ढूंढना,
पता लगाना, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। एक व्यक्ति जो कंफर्ट आराम ढूंढता है, क्या ढूंढता है, आराम इन नेचुरल लाइट, नेचुरल इन नेचुरल लाइट, इन नेचुरल लाइट यानी प्रकृति की जो रोशनी में जो क्या देखता है वो लाइट ढूंढता है, प्रकृति की रोशनी में जो लाइट ढूंढता है, प्रकृति की रोशनी में क्या ढूंढता है, तो आप ए पर्सन वो फाइंड्स कंफर्ट इन नेचुरल लाइट, एक व्यक्ति जो प्रकृति की रोशनी में, प्रकृति की रोशनी में क्या ढूंढता है, कंफर्ट आराम ढूंढता है प्रकृति के, यानी कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सीधे झील के किनारे या धूप में, पार्क में देखा होगा धूप सेकने चले जाते हैं, तो एक तो सर्दियों में सेकते हैं, और कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह रोज सेकते हैं, उनको सुबह सुबह की रोशनी पसंद है, नेचुरल लाइट जो सुबह की रोशनी आती है ना सूर्य वाली वो लाइट, तो नेचुरल लाइट को पसंद करने वाले लोग कहलाते हैं फोटोफाइल, फोटोफाइल, फोटोफाइल। तो आप देख सकते हो डेंड्रोफाइल, 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 ऑटोफाइल, 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 लोगोफाइल, 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 रेस्ट्रोफाइल, 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 एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल। वर्ड सबके मैंने एक्सप्लेन कर दिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। 10 वर्ड है, 10 को टाइम लगाया समझाने में भी, एक्सप्लेन करने में भी, 5 मिनट का खेल था लेकिन आधा घंटा लगा दिया। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यार जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, व्यूज आते नहीं है, व्यूज नहीं आएंगे सीधी सी बात है 10 दिन बढ़ाऊंगा, 15 दिन बढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा। व्यूज बढ़ रहे हैं, मजा आया मेरे को, 2-3 वीडियो पे व्यूज बढ़े हैं पहले से ज्यादा, तो आप शेयर तो करो यार, ठीक है। गिड़गिड़ाऊंगा तो है नहीं मैं आपके सामने कि तुम करो, करो या मत करो, करोगे ज्यादा यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं करूंगा। कंटिन्यू तो आदमी तब करेगा जब शेयर करोगे, आप शेयर करो लोगों को, फिर उन लोगों को अच्छा लगेगा, वो जुड़ेंगे। कुछ ऐसे बंदे हैं इस पे जो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं रोज देखता हूँ 33% बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और वो वीडियो को देखते हैं, और 67% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन वो देखते हैं। बताओ, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, यार कर दो, आपका जाता क्या है, ताकि मेरी हर जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करो, बेल वेल घंटी वंटी आती है उसको दबा दिया करो, लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सेफ्टी बना के रखो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।